जुम्मा देखकर स्कूलों में छुट्टी। जी नहीं, शुक्रवार को सब दिन छुट्टी रहती है यहाँ पर, समझे ना, और यहाँ जो है रविवार के बदले में रविवार खुला रहता है। शिक्षा में भी मजहबी ऑफ क्यों? बगल में मदरसा है, एक जगह शुक्रवार बंदी होता है, एक जगह इतवार बंदी होगा, तो इसमें थोड़ा फ्रैक्शन होगा, तो क्यों ना एक जगह सप्ताह में एक दिन ही चाहिए छुट्टी, तो एक दिन शुक्रवार एक कर दो। सरकारी स्कूलों में ठेंगे पर सरकारी आदेश। छुट्टी मिल गया है, वहाँ काम कर लेते हैं, हम लोग के लिए प्लस पॉइंट है शुक्रवार बंदी। स्कूलों में बरसों से चल रहा मदरसा मॉड्यूल। आबादी ज्यादा तो मनमर्जी का ऑर्डर। हर एक उस देश के लिए जहाँ पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, वहाँ पर एक समय के बाद अव्यवस्था अराजकता जन्म लेने लगती है। तीन राज्य में इस्लामगढ़ का सच एक्सक्लूसिव। देखिए, जब भी स्कूल की बात की जाती है तो स्कूल ऐसी जगह है जहां छात्रों को धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक अच्छा इंसान बनने की सीख मिलती है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां छात्रों को सिर्फ छात्र समझा जाता है, ना कि उनके बीच धार्मिक बंटवारा किया जाता है। लेकिन देश के कुछ राज्य हैं जहां शिक्षा के मंदिरों में भी धार्मिक भेदभाव की क्लास लगती है। झारखंड से पिछले दिनों खबर आई थी कि एक सरकारी स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी दे दी जाती है ताकि जुम्मे के दिन छात्रों को छुट्टी मिल जाए, और ऐसी स्थिति बिहार के भी कुछ सरकारी स्कूलों में है जहां सरकार या फिर प्रशासन के आदेश के बगैर रविवार की बजाय शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। सवाल यहां पर यह है कि आखिर किसके इशारे पर सरकारी स्कूलों में धार्मिक भेदभाव की क्लास खुलेआम चल रही है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ठीक ढंग से ये भी नहीं पता होगा कि धर्म का मतलब क्या होता है, लेकिन इन नन्हे बच्चों के दिलों में अभी से ही धर्म के आधार पर भेदभाव का बीज बोया जा रहा है। देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, सरकारी हो या फिर प्राइवेट स्कूल, वहाँ छुट्टी का दिन रविवार होता है। लेकिन कुछ गिनती के राज्यों ने स्कूलों में इस नियम को ताक पर रखकर छुट्टी के दिन को मजहबी भेदभाव का जरिया बना दिया गया है। बिहार के सीमांचल इलाके में कई ऐसे स्कूल चल रहे हैं जहां पर शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। ऐसे ही एक स्कूल पर टाइम्स नाउ ऑफ भारत पहुंचा है। यहां देखिए, ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हैं। किशनगंज का ये स्कूल है, छत्तरगाछ मध्य विद्यालय छत्तरगाछ ये स्कूल है, और इस स्कूल में भी जो छुट्टी है वो संडे बजाय फ्राइडे को दी जाती है, यानी कि शुक्रवार को यहाँ पर छुट्टी होती है। और जो बातें लगातार हो रही है कि जुमे के दिन, चूँकि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर उन लोगों की सहूलियत के लिए जो छुट्टी है वो शुक्रवार को कर दिया गया है। बिहार के सीमांचल जिले के किशनगंज में आने वाला छतरगाछ का सरकारी मिडिल स्कूल, यहाँ स्कूल में छुट्टी रविवार नहीं शुक्रवार को होती है, यानी जुमे के दिन। जहाँ बरसों से छुट्टी का दिन रविवार की बजाय शुक्रवार है, स्कूल के छोटे बच्चों से सुन लीजिए कि छुट्टी के दिन पर आखिर उनका क्या कहना है। छुट्टी जो होता है, स्कूल बंद किस दिन रहता है? शुक्रवार के दिन सर। शुक्रवार के दिन जी सर। अच्छा, शुक्रवार को बंद, संडे को नहीं होता है बंद? नहीं सर। अच्छा, कब छुट्टी होती है? शुक्रवार का दिन। शुक्रवार के दिन। अच्छा, आपका नाम? वीरा कुमारी। मीरा कुमारी? वीना कुमारी। वीना कुमारी जी सर। अच्छा, कब छुट्टी होती है? एक बजे। वीक ऑफ कब है? फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन जी सर। तो संडे को अमूमन सब जगह छुट्टी होती है, तो दिक्कत होता है? नहीं सर। अच्छा, फ्राइडे को ही सही है जी सर। सब लोग को तो छुट्टी नहीं होती होगी फ्राइडे को? नो सर, संडे को छुट्टी रहती है जी। लेकिन स्कूल में फ्राइडे को है तो उससे दिक्कत नहीं होती है? नो सर। टाइम्स नाउ नव भारत ने मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल विनोद कुमार मंडल से बात की। प्रिंसिपल साहब को स्कूल में ज्वाइन किए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल मानते हैं कि शुक्रवार को छुट्टी इस स्कूल में बरसों पहले से है, और वो भी बिना किसी सरकारी आदेश के। शुक्रवार को छुट्टी मिलती है स्कूलों में बच्चों को, उसके लिए क्या कोई कार्यालय आदेश सरकार के तरफ से है या नहीं है, इसकी जानकारी हम लेते हैं। यहाँ पर चलते हैं कार्यालय में, जो इस स्कूल का कार्यालय है वहाँ पर, और यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक हैं और भी जो टीचर हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर प्रिंसिपल हैं जी? अच्छा,
हाँ सर, अभी मैंने यहाँ प्रधान अध्यापक हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार मंडल मेरा नाम है सर। विनोद मंडल जी, ये बताइए कि शुक्रवार को यहाँ आपके स्कूल में छुट्टी होती है? जी नहीं, शुक्रवार को सब दिन छुट्टी रहती है यहाँ पर, समझे ना। और यहाँ जो है रविवार के बदले में रविवार खुला रहता है। शुक्रवार छुट्टी और रविवार को? हाँ, इसलिए जो है यह नियम ढेर दिन से आ रहा है सर। कब से ये हो रहा है? आपसे मतलब करीब 10 हेडमास्टर बदल गए, तब से यही चल रहा है। इसके लिए कोई सरकार का आदेश था या? कोई आदेश नहीं आया सर अभी तक। आदेश आता हम लोग कर लेते। अच्छा, कोई आदेश नहीं है कि आप उसको संडे को कीजिए कि फ्राइडे? कैसे करेंगे सर? तो फिर ये कैसे ये शुरू हुआ कि भाई शुक्रवार को ही? तो सर हमको मालूम नहीं, हम तो मना अभी बने हैं तत्काल। ये काम तो मना करीब 10-20 साल से हो रहा है। स्कूल की दीवार पर सरकारी नियम के हिसाब से शुक्रवार को मिड डे मील का मेन्यू लिखा है, जबकि रविवार की जगह कुछ नहीं लिखा। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। शुक्रवार को ऑफ होता है और शुक्रवार वाला मेन्यू संडे को दिया जाता है। ये शुक्रवार बंद के लिए ऑफिशियल वर्क होता है हम लोग का, तो हम लोग को काम कर लेते हैं। छुट्टी मिल गया है वहाँ काम कर लेते हैं। हम लोग के लिए प्लस पॉइंट है शुक्रवार बंदी के लिए। बाहर ऑफिशियल कोई वर्क है तो आप लोग कर लेते हैं। बिहार के सीमांचल में सरकारी स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी के पीछे की वजह है इस इलाके में मुस्लिमों की बड़ी आबादी। सीमांचल इलाके में मुस्लिमों की आबादी 40% के करीब है और उसमें भी किशनगंज में तो 70% तक मुस्लिम आबादी है। यही वजह है कि किशनगंज के सरकारी स्कूलों में जुमे के दिन छुट्टी कर दी गई, शायद इसीलिए ताकि जुमे की नमाज को पढ़ा जा सके। यहाँ के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले सरकारी टीचर मान रहे हैं कि कुछ परेशानी होती है, लेकिन कुछ टीचर मान रहे हैं कि सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। बच्चों लोगों की छुट्टी संडे को होती है, हम लोग फ्राइडे थोड़ा बच्चे लोगों के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ऐसे हम लोग की आदत बन चुकी है दिनचर्या। तो 2007 से जब से आप यहाँ हैं इसी तरह शुक्रवार को? शुक्रवार को ही बंद हो रहा है। अच्छा जी सर। तो आपके घर में भी बच्चे होंगे, वो भी पढ़ने, तो और हस्बैंड है, सब लोग का तो छुट्टी संडे को है जी? और सब बच्चे लोग का सबका छुट्टी सर संडे को है। कैसे मैनेज होता है क्योंकि फ्राइडे को आप लोग यहाँ पे? हम लोग स्कूल में, बच्चे लोग घर में, दिक्कत होती है। लेकिन जी सर प्रॉब्लम तो होती है। जब से स्कूल का जो स्टार्टिंग है तब से फ्राइडे बंद रहता ही है। हम लोग पढ़े भी इसी स्कूल में है और अभी पढ़ाई भी यही करती थी। जब पढ़ती थी तब भी शुक्रवार को ही? तब भी शुक्रवार ही बंद रहता था। यह इकलौता ऐसा स्कूल नहीं था जिसमें शुक्रवार को छुट्टी होती है। अकेले किशनगंज जिले में ही 37 ऐसे स्कूलों की लिस्ट है जिसमें गुरुवार को हाफ डे और शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम किशनगंज के एक और स्कूल पहुंची। वहां भी स्कूल में मजहबी ऑफ ही चल रहा था। खुद DEO जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है, उसने जो लेटर जारी किया है उसमें 37 ऐसे स्कूलों का जिक्र है जहां पर शुक्रवार को छुट्टी होती है संडे के बजाय। अभी देखिए, हम एक और स्कूल में पहुंचे हैं किशनगंज के। ये हालामाला का इलाका है और वहीं पर ये स्कूल है। ये जो आप देख रहे हैं आदर्श मध्य विद्यालय हालामाला है ये, और यहाँ भी जो छुट्टी है वो शुक्रवार को होता है, संडे को नहीं होता है। सामान्य सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को ऑफ दिए जाने से किशनगंज के लोगों को परेशानी होती है। किशनगंज के जिस स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी होती है उस स्कूल में कई हिंदू बच्चे भी, हिंदू परिवार के बच्चे भी वहां पढ़ते हैं। और ऐसे ही एक परिवार के बीच हम आए हैं, ये उनका घर है, ये हिंदू परिवार है और उसी स्कूल में इसके बच्चे भी पढ़ते हैं इस परिवार के। हम एक बार चल के अंदर बात करते हैं कि आखिर जो शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है उससे हिंदू परिवार के जो लोग बच्चे जो उसमें पढ़ रहे हैं उनको क्या दिक्कत होती है, क्या महसूस करते हैं वो। आपके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ? जी सर। अच्छा, तो कब छुट्टी होती है? शुक्रवार को। शुक्रवार को जी। दिक्कत होता है शुक्रवार को छुट्टी जी? दिक्कत होता है सर। हाँ। कहीं भी रविवार को मतलब छुट्टी होने से कहीं घूमने जा सकता है बच्चा सब, और शुक्रवार को मतलब दिक्कत होता है थोड़ा। सीमांचल के किशनगंज में ही नहीं, कटिहार जिले में भी सरकारी स्कूलों को मदरसा मॉडल की तरह चलाया जा रहा है। कटिहार 38% मुस्लिम आबादी वाला जिला है, शायद इसी वजह से कई स्कूलों में छुट्टी का दिन शुक्रवार चला आ रहा है। स्थानीय मुखिया जी थे 2007 के कुछ महीना में, उतना याद नहीं है, तो बोले कि यहाँ पर बगल में मदरसा है, एक जगह शुक्रवार बंदी होता है, एक जगह इतवार बंदी होगा, तो इसमें थोड़ा फ्रैक्शन होगा, तो क्यों ना एक जगह सप्ताह में एक दिन ही चाहिए छुट्टी, तो एक दिन शुक्रवार एक कर दो। तो उसी हिसाब से सब ग्रामीण मिलके शुक्रवार ही बंदी कराया। कटिहार के जिन भी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है वहां के लिए सरकार से कोई आदेश नहीं आया है, फिर भी बरसों से स्कूल के छात्रों को रविवार को स्कूल आना पड़ता है और शुक्रवार को उन्हें अवकाश दिया जाता है। कटिहार में 138 विद्यालयों में रविवार की जगह जुम्मे को छुट्टी दी जाती है। बिहार के सीमांचल जिले में न जाने कब से सरकारी स्कूलों में मदरसा मॉडल लागू है, लेकिन सरकार इस बात से बेखबर है।
सरकार को ये पता ही नहीं है कि सीमांचल जिले के सरकारी स्कूलों की ऑफ को लेकर मजहबी मनमर्जी चल रही है। किशनगंज के कई स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ किशनगंज के जिलाधिकारी हैं, उनसे हम सीधे बात करते हैं। सर, ये जो छुट्टी का मामला है कि फ्राइडे को छुट्टी दी जाती है कई स्कूलों में, क्या मामला है और क्या इसके लिए सरकार के तरफ या जिला प्रशासन के तरफ से कोई आदेश है? देखिए, अभी मेरे संज्ञान में भी आया है कि फ्राइडे को छुट्टी हो रही है और संडे को इसके बदले में स्कूल खुल रहा है, लेकिन मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी से इसकी जानकारी ली है तो उनके द्वारा भी बताया कि सर ये परिपाटी बहुत दिनों से चली आ रही है, आप कब से चल रही है और किस नियम से चल रही है, ये जानकारी उनको भी नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि आप उसका तहकीकात करो इसकी, ताकि हम लोग भी इसके बारे में जान लें कि किस रूल के तहत ऐसा किया गया है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जो सीमांचल इलाके से आते हैं, उन्हें भी सरकारी स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी को लेकर कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जब टाइम्स नाउ नवभारत ने बताया तो तारकिशोर प्रसाद ने जांच की बात जरूर कह दी। शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी इसके नियम, उस नियम का पालन होना चाहिए, नहीं हुआ तो पालन होगा। जुम्मे के दिन सरकारी स्कूलों में छुट्टी सिर्फ सरकारी फरमान का उल्लंघन तक सीमित नहीं है। शुक्रवार को छुट्टी स्कूलों में मजहबी सोच का भी प्रतीक बन गया है। सिर्फ बिहार ही ऐसा राज्य नहीं है जहां के कई सरकारी स्कूलों में जुम्मे की छुट्टी दी जाती है, बल्कि बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी ऐसी परंपरा दशकों से चली आ रही है। झारखंड के बोकारो में इस सरकारी माध्यमिक विद्यालय में भी छुट्टी का दिन रविवार की जगह शुक्रवार निर्धारित है। यह स्कूल शिक्षा विभाग की फाइलों में उर्दू विद्यालय के रूप में दर्ज नहीं है, फिर भी स्कूल को बिना सरकारी दस्तावेज के उर्दू स्कूल के रूप में तब्दील कर दिया गया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि जिस गांव में ये स्कूल है वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। ग्रामीणों ने बताया, ग्रामीण लोग जो यहां पर बल्ब बल्ब लगे, उर्दू स्कूल के ही लिए हम लोग जो है प्रयास किए थे, उर्दू स्कूल ही है और मेरी जो नियुक्ति अपॉइंटमेंट लेटर जो हमको मिला उसमें भी उर्दू ही लिखा हुआ है, प्राथमिक विद्यालय आगे भी उर्दू, तो मैंने भी समझा कि ये उर्दू ही विद्यालय होगा, उर्दू उसी चलते उसी हफ्ते से चल रहा है। अभी विभाग क्या बोला? अभी बोला कि नहीं, आपका विद्यालय जो है वो उर्दू विद्यालय की सूची में नहीं है। झारखंड के बोकारो में ही नहीं, जामताड़ा में भी कई सरकारी स्कूलों में छुट्टी का दिन शुक्रवार है। जामताड़ा में सिर्फ उर्दू स्कूलों में ही नहीं, सामान्य सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में भी शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। जामताड़ा जिले में करीब 100 से ज्यादा विद्यालयों में नियमों को ताक पर रखकर धर्म के नाम पर छुट्टी का दिन बदला गया है। अरे भाई, अगर हमारा बच्चा उर्दू पढ़ रहा है और फ्राइडे को अगर छुट्टी मांग रहा है जहाँ 100% अल्पसंख्यक बच्चा हो, तो उसमें कौन सा प्रॉब्लम है इन लोगों को? भाई संडे ब्रिटिश की देन है, संडे को क्यों रहेगा फिर बंद स्कूल? संडे को भी खुले। मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ, भाजपा वाले को कहना चाहता हूँ, RSS वाले को कहना चाहता हूँ, आप ऐसा कीजिए ना, रविवार को भी आप ओपन कर दीजिए और फ्राइडे को भी ओपन कर दीजिए, आप मंगलवार को बंद कीजिए। सवाल उठता है कि स्कूलों में मजहब की एंट्री आखिर क्यों? कम से कम शिक्षा में तो धर्म को नहीं लाना चाहिए। बिहार और झारखंड जैसी कोशिश पिछले दिनों उत्तराखंड में भी हुई। विकासनगर में एक नामी अंग्रेजी स्कूल ने जुम्मे दिन आधा घंटा पहले छुट्टी करने का नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस पर स्कूल ने अजब गजब सफाई दी। जैसे टीचर्स पूरे हफ्ता यहाँ पे लगे रहते हैं और लगे रहने के बाद जब कुछ काम करना हो, बैंक का काम करना हो, ऑफिशियल्स का काम करना हो, वो सैटरडे कभी बैंक बंद रहती है, कभी खुली रहती है, तो उनको जो ऑफिशियल्स काम है वो नहीं कर पाते, तो बाज़ार में जाना होता है, बाज़ार भी बंद रहता है। सो कीपिंग ऑल दीज थिंग एट द बैक ऑफ द माइंड, हमने ये कहा कि भाई हाफ एन आवर पहले हम छुट्टी दे देते। स्कूल प्रशासन का ये दावा किसी के गले नहीं उतर रहा है। विकासनगर में स्कूल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी हुई। विरोध प्रदर्शन और सरकारी दखल के बाद स्कूल को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। इन घटनाओं के बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या जिस इलाके में एक वर्ग विशेष की आबादी ज्यादा हो जाएगी वहाँ पर सरकारी नियमों की धज्जियाँ उड़ाकर मजहब के नाम पर नियम कानून बनेंगे? हर एक उस देश के लिए जहाँ पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। अभी स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी का मुद्दा गरमाया हुआ है। याद कीजिए, इससे पहले कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ था। छात्राएं स्कूल में हिजाब पहनकर आने की जिद पर अड़ी हुई थी। बाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि छात्र स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनकर आने से इनकार नहीं कर सकते।
कर्नाटक हाईकोर्ट का साफ संदेश था कि स्कूलों में धर्म के आधार पर नियम नहीं बनाया जाना चाहिए। यह बात देश के सभी राज्यों, सभी शिक्षा संस्थानों को समझनी चाहिए और मजहब को कम से कम शिक्षा के केंद्र से दूर ही रखा जाना चाहिए। किशनगंज से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।